चूल्हे पे कढ़ाई रख देंगे गरम होने के लिए। जब कढ़ाई गरम हो जाए, 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और उबले हुए अंडे डालेंगे। मैं अंडों को पहले से उबाल ली हूँ और उसका छिलका छुड़ा ली हूँ अंडे का, और उसमें कांटा वाले चम्मच की हेल्प से होल कर ली हूँ ताकि हमारे अंडे ब्लास्ट ना हों, इसलिए मैं होल कर ली हूँ। आप चाहें तो चाकू से भी होल कर सकते हैं। 4 से 5 मीडियम साइज के आलू इस तरह से मोटा मोटा काट लेंगे और अंडों में डालकर एक ही साथ अंडा और आलू को फ्राई कर लेंगे। डीप गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए डीप गोल्डन ब्राउन हो गया है हमारा आलू और अंडा, अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको हम लोग एक बर्तन में निकाल लेते हैं, इस तरह से एक एक करके निकाल लेंगे आराम से। फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मैं सारे अंडा और आलू को निकाल ली हूँ। कढ़ाई में जो तेल बचा है उसी तेल में हम लोग बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। मैं 2 मीडियम साइज का प्याज ली थी और उसको बारीक काट ली हूँ, और प्याज को सॉफ्ट होने देंगे। ये देखिए प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग एक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर को हम लोग इस तरह से छोटा छोटा काट लेंगे और प्याज में डाल करके उसको भी सॉफ्ट होने देंगे। ये देखिए प्याज और टमाटर हमारे थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग मसाला डालेंगे। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे। टमाटर, प्याज और मसालों को तेल में मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इनको भूनेंगे। ये देखिए 1 मिनट हो चुके हैं, हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम लोग अंडा और आलू को जो फ्राई करके रखे थे डाल देंगे इस तरह से, और एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सारे चीज़ों को इस तरह से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग इसमें पानी डालेंगे। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमको इसको सूखा बनाना है। ये देखिए पानी डाल दिए हैं, पानी को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें उबाल आने तक 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे गैस पर। ये देखिए उबाल आ चुके हैं। अब इसको ढक करके 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमारे अंडा और आलू बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और हमारा सब्जी भी एकदम रेडी है। अब इसमें हम लोग धनिया का पत्ता ऊपर से डाल देंगे और धनिया का पत्ता को भी मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। हमारी सब्जी रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।